छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 11 कार और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, कार तथा ऊर्जा। दैनिक जीवन में हम बहुत से कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य भी करते हैं, मानसिक कार्य भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन जो कार्य हमारे शारीरिक कार्य होता है, उसमें हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं। किससे ऊर्जा लेते हैं? हम भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन भौतिकी की भाषा में कार्य एक अलग तरह से होता है, उसमें वस्तु का स्थान परिवर्तन होना चाहिए। जिस दिशा में हम बल लगाते हैं और बल की दिशा में विस्थापन परिवर्तन होता है, मतलब विस्थापन का मतलब होता है अपने स्थान से हटना। यहां हमें किससे ऊर्जा मिल रही थी? अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए भोजन से। लेकिन भौतिकी में हम कार्य तभी मानेंगे, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है और अपने सिर पर ये एक बोझ लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? बोझ। और वो खड़ा हुआ है, मान लो ए स्थान पर खड़ा हुआ है, और 1 घंटे हो गए। कितना समय हो गया? 1 घंटा। तो भी वो अपने स्थान पर क्या है? खड़ा हुआ है। तो हम इसको कार्य नहीं मानेंगे। भौतिकी की भाषा में हम कार्य तब मानेंगे जब किसी वस्तु पर हम क्या लगाएं? बल। F माने बल। और बल लगाने पर वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, वो A स्थान पर है, और बल लगाने पर वो वस्तु B स्थान पर आ जाए, तो हम कहेंगे क्या हो गया? कार्य हो गया। जैसे आप देखिए, ये बुक है, इस बुक को हम यहाँ पकड़े हुए हैं और कुछ समय पश्चात हम बुक को इस स्थान पर रख देते हैं, तो ये कार्य हुआ। और ये व्यक्ति बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बोझ ढोने में, लेकिन इस स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कार्य का होना नहीं मानेंगे। तो कार्य का अर्थ होता है किसी वस्तु पर लगे बल, और बल की दिशा में वस्तु का क्या हो। कभी कभी जरूरी नहीं है कि बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तो हम कार्य कह सकते हैं। तो यहां कार्य का अर्थ होगा बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। तो कार्य के होने के लिए दो दशाएं होना चाहिए, दो स्थितियां। दशाएं मतलब दो स्थिति का होना जरूरी है। पहला, बल लगे। पहली स्थिति क्या हो? बल लगे। दूसरी स्थिति है कि विस्थापन हो। क्या हो? विस्थापन। यदि कोई भी एक स्थिति नहीं होगी तो कार्य का मान कितना होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य माना जाएगा। क्योंकि तुम्हें आपको पता है कि बल F गुणित S, तो यदि मान लो इसका मान शून्य है तो कार्य का मान भी क्या होगा? शून्य। यदि एस का मान शून्य है तो भी कार्य का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो इस प्रकार कार्य में विस्थापन का होना आवश्यक है। आप यहां पर देख सकते हैं चित्र में, ये एक लकड़ी का एक गुटका है। इस गुटके पर हम एफ बल लगाते हैं और वो कुछ समय पश्चात इस स्थान से इस स्थान पर आ जाती है। इसने कितनी दूरी तय की? S। कितनी दूरी तय की? S। तो हम इस प्रकार कार्य को परिभाषित कर चुके हैं। आप पुनः देखिए, कार्य बराबर बल, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य को हम W से प्रदर्शित कर सकते हैं और बल को F से, और विस्थापन को S से। आप यहां पर देखेंगे, आप पूर्व पाठ में पढ़ चुके हैं बल।
बल को हम नापते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन, MKS पद्धति में, और दूरी को नाप सकते हैं हम मीटर में। तो कार का मात्रक होगा जूल, ये जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इस प्रकार कार का मात्रक यहां पर क्या है, जूल है। यदि मान लो किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन बल लगाएं, कितना बल लगाएं, 1 न्यूटन, और विस्थापन उसमें हो 1 मीटर, किसी वस्तु पर हम बल कितना लगाएं, 1 न्यूटन एफ बल, और विस्थापन मतलब स्थान परिवर्तन कितना हो, 1 मीटर, तो जो किया गया कार है वो होगा 1 जूल। कितना होगा, 1 जूल। तो हम यहां पर 1 जूल की परिभाषा निकाल सकते हैं। एक किस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है, 1 जूल की परिभाषा। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और उसका विस्थापन कितना हो, 1 मीटर, तो इसको हम बोलते हैं 1 जूल कह सकते हैं। आपको इस जूल की परिभाषा लिखना है। आ गया सबको समझ में? अच्छा, अब जो कार है ये ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, जब आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, उसी दिशा में, तो उसके विपरीत दिशा में, ऋणात्मक में, जिस दिशा में आप क्या लगा रहे हैं बल और उसका विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, तो वो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। धनात्मक में जिस दिशा में आप बल लगाएं और विस्थापन भी उसी दिशा में हो, तो कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक। और शून्य, शून्य का अर्थ होता है कि या तो विस्थापन हो रहा है बल नहीं लग रहा है, या बल लग रहा है तो विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार कार्य का मान 3 प्रकार से हम नाप सकते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और। अब हम अगला टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा कहीं से आपको दिखती नहीं है, हम किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है, अब किसके पास कितनी ऊर्जा है, हम उससे उसकी शारीरिक क्षमता को देखकर, उससे कार्य करवा के हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। क्या है, जूल। आपने पहले देखा कि कार का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। इस प्रकार दोनों के, और दोनों कार भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें दिशा का कोई महत्व नहीं रहता है। अच्छा, ऊर्जा का एक और मात्रक होता है किलो जूल। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल हो सकता है, ये बड़ा मात्रक है। और इस प्रकार ऊर्जा का दूसरे भी मात्रक होते हैं जो व्यवहार में काम में लाए जाते हैं। अच्छा, जो ऊर्जा है इसके 2 प्रकार हैं। एक है गतिज ऊर्जा और दूसरा प्रकार है उसका स्थितिज ऊर्जा। तो जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा,
गति जैसे कोई पंखा चल रहा है, कोई पत्थर गिर रहा है, बहती हुई नदी का पानी, तो इन सब में कैसी ऊर्जा रहती है? गति। एक पत्थर तेजी से गिर रहा है और वो किसी भी नीचे रखी हुई वस्तु पर कोई भी अपना प्रभाव छोड़ता है तो वो कार्य करता है। तो जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर एक गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र पढ़ना है, गतिज ऊर्जा। तो यह 1/2 mv² गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E के मतलब पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी, गतिज और ऊर्जा के लिए हम ई लाए हैं, तो इस प्रकार ये ई के भी लिखेंगे। यहाँ पर एम है वस्तु का द्रव्यमान, एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और वी है वस्तु का वेग। तो इस प्रकार जब हम ये गणित हल करते हैं तो ये हमें सूत्र उपयोग में आता है, ये गतिज ऊर्जा का ये क्या है? फार्मूला। तो गति करती हुई वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका वजन m 15 किलोग्राम है, वो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है? गतिशील है, तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी? ये बहुत सरल गणित है, इसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का हम यहाँ पर फार्मूला उपयोग करेंगे, 1/2 mv². इसको हम हल करते हैं, गतिज ऊर्जा को हम ई के भी लिख सकते हैं, 1/2 m, m कितना है? 15 kg। तो हम यहां लिख सकते हैं 15। वी वी कितना है? 4 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड वर्ग है, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड, वर्ग नहीं आएगा यहाँ, तो इस प्रकार वी का वर्ग है तो ये 4 और ये 4 मीटर। इसको हम हल करते हैं, 1/2 60, ये 60 × 4, ये देखिए नया, इसको इससे करते हैं, आता है 120 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। इस प्रकार छोटे और सरल गणित, गतिज ऊर्जा से संबंधित परिभाषा, सूत्र से संबंधित ये आते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 120 जूल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे एक ट्रेन खड़ी हुई है स्थिर अवस्था में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी यहाँ जूल रहेगा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र रहेगा हम यहाँ इसको ई पी से प्रदर्शित करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ m किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय
त्वरण है और एच ऊंचाई है। कोई भी वस्तु या तो ऊपर से नीचे गिरती है या उस वस्तु को हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर ले जाते हैं। तो इस प्रकार एम जी एच, एच यहाँ पर हाइट हो गया, तो यह है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इसके बाद हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको पता है कि ना किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसका विनाश किया जा सकता है, और रूपांतरण के पहले, रूप बदलने के पहले और बाद में जो ऊर्जा होती है उसका योग हमेशा स्थिर होता है। आपने देखे हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप? जैसे आपने देखा होगा प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इस प्रकार ऊर्जा के एक रूप दूसरे रूप से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना हम किसी को बदल सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा काट, ऊर्जा, जिनके दोनों के मात्रक एक जैसे थे। अगला हमारा है शक्ति। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। आप इससे सूत्र बना सकते हैं। शक्ति मतलब कार्य करने की जो दर होगी उसको क्या बोलेंगे? शक्ति। शक्ति का जो सूत्र है वो होगा कार्य बटे समय। अब यहाँ हम शक्ति के मात्रक बनाते हैं, शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर डब्लू बटे टी। तो हम देखेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या होगा। कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक ये सेकेंड है, तो शक्ति का मात्रक यहाँ पर होगा वाट। शक्ति का ये छोटा मात्रक है, शक्ति का एक है बड़ा मात्रक, ये शक्ति का मात्रक। शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। यदि एक जूल कार होता है 1 सेकेंड तक, तो शक्ति का जो मात्रक है वो 1 वाट होता है। शक्ति का एक बड़ा मात्रक भी है, वो है किलो वाट। के डब्लू एक और मात्रक है शक्ति का, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति तो हम देख सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, या यहां पर यह भी देख सकते हैं कि 746 वाट बराबर 1 अश्व
शक्ति। तो ये शक्ति है जिससे कि हम ऊर्जा को भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इस प्रकार शक्ति से हम ऊर्जा को प्रदर्शित कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम विद्युत का उपयोग करते हैं बड़े पैमाने पर, तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है उसको हम बोलते हैं किलो वाट घंटा के डब्लू एच, किलो वाट घंटा कहते हैं इसको हम। ये विद्युत ऊर्जा नापने के लिए आपने देखा होगा ना कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, तो वो वास्तव में किलोवाट घंटा है। तो यूनिट क्या है, यदि हम इसको एक घंटे में जितनी ऊर्जा उपयोग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। तो एक यूनिट का अर्थ होगा 1 किलोवाट घंटा, मतलब एक घंटे में आपने कितने किलोवाट शक्ति खर्च की है। 1 किलोवाट शक्ति एक घंटे में खर्ची है तो उसका अर्थ होगा एक यूनिट। आप कभी बिजली का बिल देखिए, उसमें यूनिट में बिजली का बिल आता है। तो छात्रों, आज हमने कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ा। तीनों अदिश राशियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमेशा इस अध्याय से 5 नंबर का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए जो मैंने पढ़ाया है उसी में से।